बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अभी जो है वो कुछ अर्से पहले FIA असिस्टेंट डायरेक्टर का जो है वो FPSC ने टेस्ट लिया था, तो इसमें जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो है वो शिकायत की कि जो है वो जो पेपर था वो FIA एक्ट के अंदर से नहीं आया था, बल्कि जो डिफरेंट और एक्ट्स हैं उनके अंदर से आया था। फ़र्ज़ किया PTA एक्ट से आया था या इसके अलावा भी बहुत से जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनके अंदर से जो पेपर आ गया था, जिसकी वजह से जो हमारा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो उसमें जो है वो FPSC ने इस वाले से जो है वो काफ़ी कंप्लेन उनको गई है, तो उन्होंने जो है वो एक बाकायदा नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर FPSC की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश की है, और उसमें ये कहा है कि जो वो जो भी एक्ट्स हैं फ़र्ज़ के चाहे वो इसके अलावा जो एक्ट्स हैं फ़र्ज़ के PTA का एक्ट है या ASF का एक्ट है या जो भी और डिफरेंट एक्ट्स के अंदर से जो वो टेस्ट के अंदर जो MCQs आए हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो FIA एक्ट का हिस्सा ही हैं। तो उन्होंने जो बाकायदा क्लेरिफिकेशन की है कि FIA एक्ट के अंदर जो इंटरलिंक इसके जो और जो वो एक्ट्स हैं वो ये हैं और इन्हीं के अंदर से जो है वो पेपर आया है, तो इस वजह से जो वो कैंडिडेट्स का ये कहना कि ये पत्नी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गए या ऐसे एक्ट से आ गए जो सिलेबस के अंदर ही नहीं थे, ये जो वो एक गलत बात है और इसमें जो वो कैंडिडेट्स की जो वो नहीं सुनी जाएगी या उनकी कोई जो है वो रिस्पांस नहीं किया जाएगा, चाहे जैसा भी उनके जो वो पेपर हुए हैं चाहे जो भी कुछ हुए है। तो ये तो थी मेरी आज की अपडेट, उम्मीद है कि आपको जो वो क्लेरिफिकेशन मिली होगी। मैं आपसे आप इजाज़त चाहूँगा, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।